गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में तीन ड्रोन्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। ये ड्रोन मैंने दो दिन पहले ही खरीदा था यार। जब मैं मार्केट गया था, ये ड्रोन मेरे को बहुत ही ज्यादा यूनिक दिख रहा था, क्योंकि ये आ जाता है पोकेमोन की तरफ से और ये बहुत अलग अलग तरीके के स्टंट वगैरह भी कर सकता है। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ वीर ड्रोन के साथ। ये एक मेड इन इंडिया ड्रोन है और काफी तगड़े तरीके से फ्लाई कर सकता है, और इसकी फाइट मैं कराने वाला हूँ DJI मिनी मैविक 2 ड्रोन के साथ। चलो गाइस, फटाफट से करते हैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। ये जो पोकेमोन का ड्रोन है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी है नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एज 14 प्लस बोलकर। दोस्तों, मैं आपको पूछने वाला हूँ, आपका सबसे ज्यादा फेवरेट पोकेमोन कौन सा है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पे लिखा है 1 की रिटर्न हेडलेस मोड भी इसके अंदर मिल जाता है। इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही जाओगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। चलो गाइस, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से मैं इसको अनबॉक्स करके भी दिखा देता हूँ। इसका एक और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है Amazon का, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। यहाँ पर एक बॉक्स मिला है, बॉक्स के अंदर है इसका रिमोट कंट्रोलर। यार कितना ज़्यादा बड़ा रिमोट कंट्रोलर है, और इसके अंदर बटन्स भी देखो कितने ढेर सारे। ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर कुछ है नहीं। ये जो रिमोट है पूरी तरीके से 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पर चलता है। यहाँ पर इसके और कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसकी बैटरी है। ये जो बैटरी है आपको दिखा देता हूँ मैं, 3.7 वोल्ट 1100 mAh की बैटरी है। दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिल जाते हैं और इसके लैंडिंग गियर्स भी दे रखे हैं। चलो अभी अपने ड्रोन को निकालते हैं गाइस, यहाँ से देखते हैं ड्रोन की क्वालिटी कैसी है। देखने में तो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है ये येलो कलर में। ये देखो यार, ड्रोन को मैंने निकाल लिया है, बहुत ही हल्का फुल्का सा ड्रोन है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ड्रोन को आउटडोर में उड़ाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि बहुत हल्का फुल्का है। प्रोपेलर्स की क्वालिटी देख लेते हैं यार, ठीक ठाक है, काफी अच्छे खासे फ्लेक्सिबल है। इस तरफ दो व्हाइट प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, इस तरफ दो रेड प्रोपेलर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है बिल्ड क्वालिटी, पर इसके प्राइस के हिसाब से मेरे को इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास लगी नहीं यार, क्योंकि 4500 रुपीस का ये ड्रोन है। ये वी ड्रोन भी जो है छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी है नहीं गाइस, इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखो यार, मैंने इसको निकाल लिया बॉक्स के अंदर से बाहर। इसका रिमोट देखो यार, काफी ज्यादा बड़े साइज का है, और इसके रिमोट की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी भी है गाइस। बहुत मजबूत प्लास्टिक से इसको बनाया गया है, सेम रिमोट मेरे को लग रहा है गाइस। इसकी जॉयस्टिक देखो, इसके अंदर सेंटर पोजीशन नहीं मिलती है, आप जिस तरफ करोगे उसी तरफ ये चली जाएगी, पर इसके अंदर देखो यार, जैसे आप ऊपर करते हो वापस से सेंटर पोजीशन में आ जाती है। ये बहुत सही चीज लगती है मेरे को। इसके साथ भी हम लोगों को इसके लैंडिंग गियर्स, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पर है इसकी बैटरी, बैटरी बड़े साइज की भी है और मेड इन इंडिया भी है। पर यार यहाँ पे तो 500 mAh बोल के लिखा है, पर बैटरी देखो यार, पोकेमोन ड्रोन के बैटरी से भी बड़ी लग रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी इस ड्रोन की क्वालिटी वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका भी जो प्लास्टिक है ना यार, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल दे रखा है, कहीं से भी ये ड्रोन टकराएगा तो बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं। ये ब्लेड्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल दे रखी है। नीचे यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है, इस तरफ यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, इस तरफ यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है। इसके अंदर भी DJI मिनी मैविक 2 ड्रोन को मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया है। बॉक्स के अंदर इस तरह का एक पाउच मिल जाता है, इसी के अंदर हम लोगों का ड्रोन होता है। तो यार पाउच तो ये लोग देंगे ही, क्योंकि इतने ज्यादा पैसे जो लिए इन लोगों ने मेरे से। यहां पर है हमारा DJI मिनी मैविक 2 ड्रोन, इस तरह से ये प्रोटेक्ट होकर आता है। ये देखो यार, ये इसके ब्लेड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया हुआ होता है। देखो यार, देखने में काफी ज्यादा छोटा लगता है ये ड्रोन, पर बड़े ही कमाल तरीके से फ्लाई कर सकता है। पर नीचे की तरफ इसका कैमरा दिया हुआ है, ये 4K कैमरा इसके अंदर मिल जाता है। तो दो अलग अलग इंडिविजुअल पीसेस में ये मिल जाते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बोलने की जरूरत है नहीं, बहुत ही ज्यादा तगड़ी क्वालिटी में ये मिल जाता है। इसके साथ और बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि ये इसका चार्जर है। इसके अंदर हम लोगों को तीन तीन बैटरीज मिलती है। अगर आप बैटरी को निकालना चाहते हो तो जस्ट यहां पर पुल करके इस तरह से बैटरीज को निकाल सकते हो, यहीं से ही इन बैटरीज को चार्ज वगैरह भी कर सकते हो। यहां पर है इसका मोबाइल होल्डर, यहां पर हम लोगों को मोबाइल लगाना पड़ता है। तो ओवरऑल इसके अंदर बैटरी वगैरह कुछ लगती नहीं है गाइस, क्योंकि इनबिल्ट बैटरी आ जाती है। तीनों ड्रोन्स को यहां पर मैंने रख दिया है। ऑलमोस्ट यार ये दोनों ड्रोन्स देखो सेम टू सेम ही लग रहे हैं। ये ड्रोन थोड़ा सा हल्का है इसके मुकाबले में, इसके अंदर थोड़े से होल्स ज्यादा दिए हुए हैं, इसके अंदर थोड़े से कम दिए हुए। तो चलो दोस्तों, अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं यार तीनों में से आज कौन जीता है। लेट्स गो एंड फाइट गाइस। सबसे पहले यहाँ पे मैं पोकेमोन ड्रोन को टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो यार, जगह बहुत ही कम रह गई है, इतने में ही मैं इसको उड़ाने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कितने स्टेबल तरीके से फ्लाई कर पाता है। अभी तक तो ठीक ठाक तरीके से फ्लाई कर रहा है। इस ड्रोन के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर मिल जाता है, वो है ऑटो रोटेटिंग स्टंट। यहाँ पर जस्ट मैंने एक बटन दबाया है गाइस, देख सकते हो ये ड्रोन अपने आप ही ऑटो रोटेट होने लगा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। आजकल के ड्रोन में ये स्टंट बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, और ये स्टंट भी बहुत ही कमाल का है गाइस। अभी मैं आ चुका हूँ आउटडोर में, पोकेमोन ड्रोन को हम लोग अभी आउटडोर में टच करने वाले हैं। यहाँ पे इसके अंदर स्पीड भी मैंने फुल कर दी, अभी मेरे हाथ से ही इसको डायरेक्ट टेक ऑफ कर दूंगा।
देखते हैं यार ये कितनी दूर तक फ्लाई कर पाता है, इसकी रेंज कितनी दे रखी है। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चलने लगी गाइस, इस वजह से ड्रोन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है। टोटल भी मैंने फुल दे रखा है, फिर भी आगे नहीं जा रहा है यार। थोड़ी सी हवा चलने पर ये पूरी तरीके से पीछे आकर यहाँ पर क्रैश भी हो चुका है। अभी वीर ड्रोन को टेस्ट करके देख लेते हैं। इंडोर में ये ड्रोन बहुत कमाल तरीके से फ्लाई कर सकते हैं, अभी आउटडोर में मैं आपको फ्लाई करा के बताने वाला हूँ। ये ड्रोन देखो यार कितना स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है, और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा ईजी है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है, इसके अंदर भी ऑटो रोटेट स्टंट मिल जाता है। देखो यार जिस तरह का स्टंट हम लोगों को पोकेमॉन ड्रोन में मिला था। इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूं, देखो यार ये अपने आप ही फ्लाई कर रहा है। कंट्रोलिंग में जो यार मेरे को ये ड्रोन बहुत मस्त लगा। अभी टेस्ट करते हैं, DJI ड्रोन को ऑन कर दिया है मैंने। इसको भी जो हम लोग अपने हाथ से ही डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकते हैं। ड्रोन बहुत कमाल तरीके से फ्लाई कर सकता है। देखो गाइस इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा गजब की दे रखी है। रिमोट में मैं यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, एक सर्टन हाइट पर आकर ये अपने आप ही होवर करने लगता है। आपको दिखाता हूं मैं ये जो ड्रोन है कितनी ऊपर तक जा सकता है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ गाइस, अभी जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो यार एक डॉट जितना नजर आ रहा है, मतलब ये जो ड्रोन है ना भाई साहब बहुत ज्यादा ऊपर तक जा सकते हैं। भी जो है ना गाइस बहुत ज्यादा दे रखी है। देखो यार देखते ही देखते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है ये ड्रोन, इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड मिलती है DJI ड्रोन के अंदर। अभी हम लोग टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं DJI और पोकेमॉन ड्रोन के बीच में। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल ड्रोन। दोनों के बीच में एक रस्सी मैंने बांध दी है, दोनों को बिल्कुल हवा में मैं छोड़ने वाला हूं। ये देखो यार ये मैंने कर दिया है। यहाँ पर DJI ड्रोन पूरी कोशिश कर रहा है पोकेमॉन ड्रोन को खींचने के लिए, पर पोकेमॉन ड्रोन भी कुछ कम है नहीं गाइस। देखो इसने पूरी ताकत लगा दी है DJI ड्रोन को अपनी तरफ खींचने के लिए, पर DJI ड्रोन देखो गाइस एक जगह पर ही स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है। और ये पोकेमॉन ड्रोन थोड़ा सा डगमगा चुका है और इसका बैलेंस बिगड़ चुका है। पोकेमॉन ड्रोन उल्टा गिरने के कारण यार इसके दो प्रोपेलर्स भी बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्लियरली अपना DJI ड्रोन जीत चुका है टग ऑफ वॉर में। वेट कैरी टेस्ट करने वाला हूँ। अभी वीर ड्रोन के नीचे मैंने पोकेमॉन ड्रोन को बांध दिया है। देखते हैं गाइस ये इसका वेट लेकर फ्लाई कर पाता है नहीं, और मैंने इसको टेक ऑफ कर दिया है। ऑलमोस्ट ये पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे इसको लेकर फ्लाई करने के लिए। यहाँ पर मैंने फुल थ्रॉटल भी इसके अंदर दे दिया है गाइस, पूरी कोशिश कर ली इसने, पर देखो गाइस यहाँ पर फेल हो चुका है पूरी तरीके से वेट उठाने के मामले में। DJI ड्रोन का वेट कैरी टेस्ट करते हैं। इसके नीचे मैंने बांध दिया है पोकेमॉन ड्रोन और वीर ड्रोन को। देखते हैं गाइस ये दोनों का वेट लेकर फ्लाई कर पाता है यानी। यहाँ पे DJI ड्रोन को मैंने ऑन कर दिया है, अभी तक तो बिल्कुल सही तरीके से फ्लाई कर रहा है। ओह माय गॉड देखो यार इसके अंदर कितनी ज्यादा पावर दे रखी है, इसने दोनों को एक साथ उठा लिया है वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। और इसकी बैलेंसिंग भी देखो यार कितनी ज्यादा जबरदस्त दे रखी है। अभी इसको और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। ओह माय गॉड इसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इजी था यार। इसके नीचे मैं और दो चार ड्रोन भी बांध दूं ना फिर भी ये इतना वेट लेकर फ्लाई कर सकता है, इतनी गजब की पावर है इसके अंदर। अभी यहाँ पर स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों ड्रोन्स के बीच में। देखते हैं गाइस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट। दोनों ही ऊपर की तरफ फ्लाई कर चुके हैं और यहाँ पर वी ड्रोन काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। पोकेमॉन ड्रोन देखो यार कितना ज्यादा स्लो तरीके से फ्लाई कर रहा है, अभी तक भाई ये वहां तक पहुंचा भी नहीं है। अपना ड्रोन जो है एक चक्कर लगाकर वापस की तरफ आने भी लगा है। यार सच में वी ड्रोन का जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा दे रखी है। अपना जो पोकेमॉन ड्रोन है कहां पर रह गया, मेरे को लगता है ये कहीं पर क्रैश हो चुका है। यहाँ पर वी ड्रोन जीत चुका है रेस को। अभी रेस कराएंगे गाइस इन दोनों के बीच में। देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, और दोनों को मैंने हवा में छोड़ दिया है। अभी आगे की तरफ लेके जाते हैं गाइस। यहाँ पर वी ड्रोन काफी ज्यादा आगे जा रहा था, पर अचानक से देखो यार DJI ड्रोन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है और ये ऊपर की तरफ जाने लगा है और वापस भी आने लगा है गाइस। उसकी स्पीड देखो यार मेरे को लग रहा है कि तकरीबन 70 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। क्लियरली DJI ड्रोन जीत चुका है यार इस रेस को। गाइस इन तीनों में से आपको कौन सा ड्रोन पसंद है नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम हो जाता है अभी, कुणाल, सागर, उदय, आसिफ, अंगद, पंकज, विवान, संकल्प, रंजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।